यही है डैम। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा खजुरी गांव का। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यह, मन काफी प्रसन्नचित हो जाता है यह दृश्य देख के। जरा सूरज की लाली को देखें, अद्भुत अविश्वसनीय। देखिए दोस्तों रास्ता कितना कठिन है, लेकिन रास्ते कितने भी कठिन हो मंजिल एक मिल ही जाती है, सफलता तो जरूर मिलती है, बस हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं रास्ते की ओर जा रहा हूँ। बोलते बोलते हो क्या? देखिए कितना अच्छा सीन है यह। सूरज की तो बात ही कुछ और है भी। वो देखिए वो जंगल जो दूर पेड़ पौधा दिख रहा है वहाँ ही से पानी आता है, बहुत दूर से पानी आता है। कहा जाता है कि यह पानी सदियों से आती जा रही है और यहाँ पर हर मौसम में पानी रहता है, कभी पानी सूखता नहीं है। देख लीजिए आप लोग भी। वाह, पहाड़ की ओर जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये पहाड़ की ओर जाता है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो पक्षी को देखिए हवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो पक्षी अपने ही गाने में मग्न है। ये देखिए ये रास्ता भी और चढ़ाई करना है हम लोगों, फिर पहाड़ की ओर जाएंगे। देखिए कैसी कैसी चढ़ाई करना पड़ रहा है। खैर आधा रास्ता तय कर लिया हमने, आधा रास्ता बाकी है। ये देखिए क्या प्राकृतिक दृश्य है। हवा तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही स्वच्छ पवित्र है, लाजवाब लाजवाब। ये देखिए पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन लोग अपना नृत्य कर रहे हैं, मग्न है हवा की तरह। बहुत ही सुंदर नजारा है। वो देखिए वो है पहाड़, कुछ ही पलों में हम लोग पहुंचने वाले हैं वहां पे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ब्लॉग बॉस प्रवीण का ये वीडियो। देखिए बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग पहाड़ की ओर। रास्ते में कितने भी कांटे हो लेकिन संभल कर चले तो हम आराम से रास्ता पार कर लेंगे। यह उदाहरण अभी लागू होता है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों वो पहाड़ पे तीन हनुमान हैं। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। तो आखिरकार दोस्तों हम पहाड़ पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए देखिए उधर ध्यान से देखिए, उधर कुछ जंगली बंदर उधर हैं। चलिए हम लोग आगे और जाते हैं। ये देखिए वहाँ पे कुछ बंदर हैं और यह छतरपुर का सुंदर गांव खजुरी। ये देखिए वह गांव का दृश्य है, ये सब घर वर है यहाँ पे। उधर भी कुछ पहाड़ देखिए। काफी सुंदर नज़ारा है यहाँ।
आखिरकार सच ही कहा गया है कि ईश्वर ने सबसे बड़ा तोहफा प्रकृति दिया है। आज मैं यहाँ पर देख भी ले रहा हूँ, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अद्भुत अद्भुत। तो कभी भी आपको समय मिले, इतनी हसीन जगह, इतनी खूबसूरत जगह को जरूर घूमें, देखें और लुत्फ़ उठाएं प्रकृति का। तो कैसा लगा यह वीडियो, अपनी बात कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं, और ब्लॉगिंग बॉस प्रवीण चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें, तभी इतनी सुंदर सुंदर दृश्य मैं आपको अभी और दिखाऊंगा। देखिए अगर कहीं भी कमी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे, और अगला वीडियो मैं और भी सुंदर बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा पहला वीडियो है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।